सैमसंग की हमारी डिमांड थी, सैमसंग की डिमांड के बारे में उन्होंने आपको ऑफर दी है, ये बहुत ही अच्छी है। अगर आदमी मेहनत ही नहीं करता और उसको बिना मेहनत किए ही मिलता है, फिर सोसाइटी का कोई भी वर्ग हो, आप एक सोसाइटी को आप अनाज दे रहे हैं, आप उसको किस बैकग्राउंड से आए, दूसरा आपका सोसाइटी में कितना रिस्पेक्ट है, तीसरा आप कितने कैपेबल हैं। देखिए मेन चीज़ जो है कि हमारे जो है कि बाहर की जो डिमांड थी वो रिगार्डिंग चैम्बर्स, ये एक बड़ी ही जो है कि मतलब क्रूशियल एवरग्रीन प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ऑलरेडी भी जज साहब जो है कि सेशन जज अपने साहब उनके पास भी ये कितनी बार एप्लीकेशन वगैरह आई हैं वो जो है कि दैट इज़ अंडर कंसिडरेशन। बिल्डिंग कम्युनिटी के पास भी ये हमारे पास वहाँ पर अंडर कंसिडरेशन है, एंड वी आर फाइंडिंग द सोल्यूशन टू दिस कि इट वुड बी रिजॉल्व, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है तो एक बात है उतनी पेस से नहीं बढ़ता जितनी पेस से जो है कि हमारे जो है कि एक बात है एडवोकेट्स और वो बढ़ रहे हैं जो है। वो चैम्बरों की हमारी डिमांड थी, चैम्बरों की डिमांड के बारे में उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो अब बिल्डिंग कमेटी की मीटिंग होगी उसमें चैम्बरों का समाधान आपका कर दिया जाएगा। बाढ़ को उन्होंने एड्रेस दिया है, बाढ़ में उन्होंने क्या संदेश दिया है? उन्होंने उनका जो आज का जो उनका था उनका मुद्दे मोरल वैल्यू के ऊपर जाता था, नैतिक सिद्धांतों के ऊपर था। उन्होंने इस बात को दोहराया कि जैसे आजकल के दो नौजवान वकील हैं उनके पास रेडीमेड सौदा रेडीमेड इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा है और वो एक सेकंड में देख लेते हैं कोर्ट, लेकिन दूसरे इसका नेगेटिव पहलू भी है, मेंटली तौर पर वो वीक होते जा रहे हैं। हमें मेंटली तौर पर स्ट्रांग होना है, वीक नहीं होना है। इनका हम इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, जो ये इक्विपमेंट है जो ये टेक्नोलॉजी है मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका फायदा उठा सकते हैं, टाइम की बचत होती है नो डाउट, लेकिन अगर एक आदमी इन्हीं में बड़ा रहेगा फिर उसका मेंटली वो वेल्थ नहीं होगा, और अगर कहीं कोई जवाब देना पड़ गया बाहर जहाँ उसके पास मोबाइल नहीं, मान लीजिए किसी के पास मोबाइल नहीं है कोई टेक्नोलॉजी नहीं है तो उस समय क्या करेगा, मेंटली तो उसको पता ही नहीं कुछ भी। तो आज उन्होंने दो बातों पर जोर दिया, जहाँ ये बात है ये ठीक है इनका आप सहारा लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना दिमागी रूप से भी पकड़िए। और इसमें हमें जो है ना, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये बहुत ही अच्छी बात है, अगर आदमी मेहनत ही नहीं करता और उसको बिना मेहनत किए ही मिलता है, फिर सोसाइटी का कोई भी वर्ग हो, आप एक सोसाइटी को आप अनाज दे रहे हैं, कोई वो काम तो कर नहीं रहे, क्यों काम करेंगे जब उनको बिना काम किए मिलता है, तो बेकार एक फौज होगी बेकार होगी खड़ी, और अगर किसी दिन ये फौज इकट्ठी होगी खड़ी होगी पता नहीं क्या करता। तो इसलिए हमें जो है नहीं, हमारा तो सबसे पहले धर्म था, सबसे पहले धर्म आता है, धर्म के बाद काम आता है। तो गीता में कहा है कि कर्म करो फल की इच्छा न करो, कर्म करो लेकिन धर्म के अनुसार, कोई अनैतिक काम ना करो, कोई इलीगल काम ना करो। तो आज का जी सर, आज के समय में जो युवा पीढ़ी है जो लॉ की तरफ जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा, तो जैसे आप बुद्धिजीवी हो तो उनको किस तरीके से मैसेज दोगे, किस तरीके से किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो कि इसको कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए ये जो ला का जहाँ तक ला की बात है, ये दो बातों में बड़ा, दो या तीन बातों में निर्भर करता है, एक तो आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप उसको किस बैकग्राउंड से आए, दूसरा आपका सोसाइटी में कितना रिस्पेक्ट है, तीसरा आप कितने कैपेबल हैं, यानी एक कोई प्रॉब्लम आ जाती है उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हैं, आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ता है, जजेस को, आपको क्लाइंट को भी सेटिस्फाई करता है करना पड़ता है, और आपका जो अपोजिट काउंसिल है उसकी आप में मीट आउट करनी है उसकी, ये बात इस डिफिकल्टी यंग लाइफ के लिए होता है, इसके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है, ये नहीं कि वह कोई आज वकील बन के आ गया तो आज ही वो सब कुछ, नहीं, दो तीन साल तो आप देनी पड़ेगी, और इसके लिए हमारा अप्रेंटिसशिप इसीलिए रखी है बार काउंसिल ने कि वो जो जूनियर यहाँ आता है वो लाइफ के बारे में सीख रहे हैं, तो सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आते ही एकदम ये सोचते हैं मैं आज ही वकील बन गया, ये बड़ी कमजोर होता है और इससे मुझे कोई बात हो नहीं सकती। तो सर अगर बात करें, वकील होते हैं जो मुख्य तीन धारों के बीच होते हैं, जैसे पीड़ित पक्ष होता है, शिकायतकर्ता और जज के सामने, तीनों के सामने में हैंडल करना होता है, किस तरीके से किसी भी केस को हैंडल कर सकते हैं जज के सामने जब? देखिए
नहीं देखो, जो पीड़ित पक्ष है, अगर कोई फौजदारी केस है उसके तो सरकार की तरफ से वकील होते हैं, उनको वो हैंडल करते हैं, उनके केस को, उनको केस को आगे बढ़ाते हैं, उनके बयान करवाते हैं कोर्ट में, उनको बयान समझाते हैं पहले। और जो अक्यूज की साइड से है उनका भी अपना उनका वकील होता है, उनसे जिरह करते हैं और सवाल जवाब होते हैं। और वो ये कोशिश करने की मेन हमारी जो है, जो अक्यूज का कौंसल है उसका ये कोशिश करने की होती है कि भाई ये जो मुकदमा है ये झूठा मुकदमा है, सच्चा मुकदमा नहीं है। अगर वो इस बात में साबित हो जाता है तो भरी हो जाता है। कई दफ़ा इसमें ड्रॉबैक्स तो हैं, देखो कई बार एविडेंस की कमी हो जाती है, एविडेंस की न आने की वजह से भरी हो जाते हैं। मैं सुमित चौकन, सेक्रेटरी बार एसोसिएशन में। तो आज चीफ जस्टिस आए थे, तो सर क्या क्या हमने इंस्पेक्शन करके गए हैं? जैसे कि आज जस्टिस साहब उनका इंस्पेक्शन थे यहाँ पे, आज जीन नरवाना और सुप्रीम कोर्ट तो में इंस्पेक्शन थे। क्या नाम था सर? सब माननीय जस्टिस राजेश भारद्वाज जी। उनका मेन चीज़ ये होती है कि जैसे वो कोर्ट्स में जाते हैं, वहाँ पे लिटिगेंट्स जो बैठे होते हैं, बाहर बैठे होते हैं, मेनली उनसे कि आर यू सेटिस्फाइड विद द प्रोसेस ऑफ लॉ, बिल्कुल प्रोसेस ऑफ कोर्ट। ओके, मेन चीज़ यही रहता है कि बाहर जाके देखें। और जैसे कि हमारे जस्टिस साहब है ग्राउंडेड बंदे हैं, ग्राउंड से उठ के वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। इन्होंने इंस्पेक्शन में प्रॉपर तरीके से क्या इंस्पेक्शन होती है, कैसे लिटिगेंट्स से मिला जाता है, कैसे कोर्ट्स में आर्ग्यूमेंट सुनी जाती है, बिल्कुल एज ए क्लाइंट बैठ के सब अच्छे तरीके से इंस्पेक्शन की। तो सर बार एसोसिएशन को एड्रेस भी किया है, तो एड्रेस में आपको क्या कुछ मुख्य चीज़ें देखने को? मेनली इनके एड्रेस में यंग लॉयर के लिए था, यंग लॉयर्स को एक मैसेज था कि आप वर्क हार्ड कीजिए और अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। मेन मोटिव इनके एड्रेस में ये था। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू।